नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने खुद इस बात को माना है कि पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा खतरा है। शीर्ष 10 देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। MiG-21 क्रैश में शहीद हुए पायलट अभिनव चौधरी ने सिर्फ 1 रुपए लेकर की थी शादी, खूब हुई थी सराहना। अब पिता बोले, मेरा लाल तो चला गया, दूसरे की जान ना जाए इससे पहले बंद करें MiG-21 की उड़ान। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि महामारी से निपटने के लिए राज्यों में बेहतरीन प्रयास हुए हैं। तमिलनाडु की टैक्सी एम्बुलेंस, राजस्थान की मोबाइल ओपीडी, केरल की ऑक्सीजन नर्स की भी शुरुआत हुई। कोरोना के गिरते ग्राफ को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि अभी संतोष का समय नहीं है, COVID-19 से करनी है लंबी लड़ाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। ब्लैक फंगस व म्यूटेशन वायरस से बच्चों के बचाव का किया जिक्र। 8 साल बाद बरी हुए महिला सहकर्मी मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल बोले, न्याय के लिए बहुत आभारी हूँ। अब 31 मई तक गोवा में रहेगा कर्फ्यू, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया ऐलान। चक्रवाती तूफान आने की आशंका के मद्देनजर 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र लिखकर सतर्क किया है। तटीय जिलों में जरूरी उपायों के दिए हैं निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिसर्च के आधार पर कहा कि देश में 50% लोग नहीं लगा रहे हैं मास्क और लगाने वाले भी ज्यादा कर रहे हैं लापरवाही। DRDO द्वारा विकसित कोरोना की दवाई को मिली आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के बाद क्लिनिकल परीक्षण में सामने आया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की रिकवरी जल्दी हो रही है और ऑक्सीजन निर्भरता भी कम हो रही है। रेलवे कर्मियों के भुगतान में कोरोना नहीं बनेगा बाधक, उत्तर रेलवे मुख्यालय ने जारी किया पत्र। कल मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के गर्भ में पहली बार आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में देखेंगे COVID-19 की व्यवस्थाएं। प्रयागराज का मेंढरा गांव, जहां 1 महीने में 50 से अधिक लोगों की गई जान, आज जांच के लिए पहुंची चिकित्सा की टीम। रेमडेसिविर की खपत बिहार के निजी अस्पतालों में हो रही है अधिक, इसलिए बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों के लिए घटाया कोटा। इतने निम्न स्तर की बात तो लालू भी नहीं करते थे, जदयू ने पूछा, क्या बेटे बेटियों में माँ बाप का संस्कार नहीं है? लालू की बेटी रोहिणी ने की थी घटिया शब्द का इस्तेमाल। दरभंगा DMCH के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण ने कहा कि पप्पू यादव को पटना के IGIC रेफर किया गया था, लेकिन उनको स्लिप डिस्क की परेशानी हो गई, इसलिए वहां नहीं ले जा रहे हैं। उधर 9 टन की क्षमता वाली सड़कों पर दौड़ रही है 50 टन लोडेड ट्रक। ओवरलोड वाहनों की रोकथाम के लिए सरकार ने बांका, भागलपुर, रोहतास, वैशाली, सारण, गोपालगंज, औरंगाबाद एवं कैमूर जैसे कई जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। दिल्ली में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के यात्रियों को नहीं मिलेगी दिल्ली में अपनी गाड़ी से उतरने की अनुमति, कोरोना को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लिया निर्णय। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट, पंजाबी एक्टर दीप सिंधु समेत 16 लोगों को बनाया गया आरोपी। पंजाब में ब्लैक फंगस से जुड़ी 6 सर्जरी आयुष्मान भारत योजना के तहत होगी कवर। हरियाणा में 5G से कोरोना फैलने की अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव ने DC और SP को दिए निर्देश। उत्तराखंड ऋषिकेश के BTC वेडिंग जोन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत कर पाया काबू। झारखंड के पूर्व CM रघुवर दास बोले, कांग्रेस पार्टी मोदी मीनिया के हैं शिकार, कांग्रेसी टूल किट से कर रहे हैं भ्रामक प्रचार। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों के लिए खुला खजाना, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 22 लाख किसानों को सहायता राशि दी। मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा का सवाल, कमलनाथ के पास कहां से आए हनी ट्रैप की CD? हिमाचल प्रदेश के PNV पेंशनर्स एसोसिएशन ने BMO तियारा को सौंपे 100 मेडिकल किट।
आईजीपी कश्मीर ने कहा कि पुलिस जवान या फिर अन्य सुरक्षा बलों के लिए आतंकवादियों को मार गिराना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा मकसद आतंकी को नहीं आतंकवाद को समाप्त करना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 6 महीने के अंदर भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेगी। बंगाल के कृषि मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उड़ीसा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,523 नए मामले मिले, 27 संक्रमितों की गई जान। महाराष्ट्र के एंटीलिया केस में आरोपी सचिन वाझे का करीबी रियाजुद्दीन काजी को भी किया गया पुलिस सेवा से बर्खास्त। गुजरात में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ा, 1,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। 10,000 इंजेक्शन की खरीद का टेंडर जारी किया गया। राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद आसाराम को इलाज के लिए नहीं मिली जमानत, याचिका हुआ खारिज, पुनः जेल भेजने की है तैयारी। हेल्थ विशेषज्ञों के अनुसार गर्मी में इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं तो नींबू और तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाकर पिएं। ऋषिकेश में मेडिकल ऑफिसर और सोशल वर्कर के पदों पर निकली है भर्ती। ऑफिशियल वेबसाइट aimsrishikesh.edu.in पर जाकर करें आवेदन। स्टीव स्मिथ को कप्तान बनते हुए नहीं देखना चाहते ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज। इयान चैपल ने कहा, यदि आप स्मिथ को वापस लाते हैं तो आप पीछे की ओर जा रहे हैं। खतरों की खिलाड़ी 11 में श्वेता को देखकर हैरान रह गए महाभारत के कृष्ण। कसौटी जिंदगी के वक्त से हुए हैं जेब्रा फैन। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।